लैग 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 कुछ ऐसा हालत ही होता है 2 से 4 GB रैम वालों का, क्योंकि पूरा साल उनको लैग प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है यार, मुश्किल तो तब हो जाता है जब 8 GB प्लेयर भी लैग प्रॉब्लम फेस करता है। यानी कि हमारा फ्री फायर में बिन मतलब का अपडेट जिसका कोई काम ही नहीं है। नहीं यार, शायद मैं थोड़ा सा गलत बोला, क्योंकि काम तो ये करता है, जब भी आता है पूरा गेम का 12 बजा देता है। देखो मेरा भाई, यकीन करो या फिर नहीं करो, जब भी अपडेट आता है ना, तुम्हारा मेरा नहीं पूरा संसार का गेम प्लेयर लैग करता है। और जैसे कि आपको भी पता है, कुछ दिन पहले ही वो टट्टी अपडेट आया था जिसने हम सबका रातों का नींद उड़ा दिया यार। तो मेरे भाई सुनो, इसलिए प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो बहुत ज्यादा आसानी से, बस आपको 5 ट्रिक्स फॉलो करना है। साथ में आप 3 मिस्टेक करते हो, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक और बात बताना चाहता हूँ, जितने भी ट्रिक्स बताऊंगा ना, आपको बराबर फॉलो करना है, सारे ट्रिक्स को फॉलो करना है। एक करोगे दूसरा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। असली टॉपिक तो मैं स्टार्ट करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मेरा समाचार सुन लो। अगर चैनल पर न्यूज विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना मेरे भाई। ओके, सेटिंग के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन 3 मिस्टेक के बारे में पहले बताऊंगा जो कि आप डेली करते हो। और 3 जो मिस्टेक है ना, ये बेसिक है, आपको पता है फिर भी आप करते हो। अभी मैं जो 3rd नंबर मिस्टेक बताऊंगा ना, ये 99% बंदा करता है। बस यार बहुत हो गया, आपसे ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। पहला मिस्टेक ये होता है कि आप अपने फोन में बहुत सारा ऐप रखते हो, जिस ऐप को आप यूज नहीं करते उस ऐप को भी रख देते हो कि यार डिलीट कर दो ना। देखो यार, सिंपल सा बात है, अगर आप अपने फोन पे ज्यादा लोड दोगे तो भाई फोन लैग तो करेंगे, ज्यादा करके वो प्लेयर जो 2 GB या फिर 4 GB रैम में खेलते हो। अपना ऐप डिलीट कर दिया करो जिसको आप यूज नहीं करते हो। मिस्टेक नंबर 2, आप में से बहुत सारा बंदा है जो अपना स्टोरेज बिल्कुल भी क्लीन नहीं करता है। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट रहेंगे, एक्स्ट्रा ऑडियो रहेंगे, वीडियो रहेंगे, उसको डिलीट भी नहीं करेंगे। भाई क्या फायदा रख के, डिलीट कर दो, इससे आपका फोन बहुत ज्यादा लाइट हो जाएंगे, और फोन अगर लाइट हो जाएंगे तो गेम प्ले बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे। मिस्टेक नंबर 3, ये गलती ज्यादा से ज्यादा बंदा करता है। आप क्या करते हो, लैग प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए एक और ऐप डाउनलोड कर लेते हो। थोड़ा दिमाग से सोच के देखिए, पहले आपके फोन में स्टोरेज नहीं है, लैग कर रहा है, उसके ऊपर आप एक और ऐप डाउनलोड कर रहे हो लैग प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए। मत किया करो, ये पूरा बेवकूफी है। ये तो हो गया हमारा 3 मिस्टेक जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी मैं कुछ एडवाइस दूंगा, साथ में सेटिंग भी बताऊंगा। देखो यार, आपको हमेशा अपना फोन को कूल रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फ्रिज में जाकर रख दो। अभी मैं कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है, अगर फॉलो करोगे तो आपका फोन काफी हद तक कूल हो जाएंगे। सबसे पहले, अगर आप कोई भी गेम खेलते हो तो आपको कवर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर आप कवर यूज करके गेम प्ले करोगे तो आपका फोन अंदर ही अंदर हीट होते रहेंगे, और इसका इफेक्ट आपका गेम प्ले पे पड़ेगा। और फोन कूल रखने के लिए एक और बेस्ट सेटिंग है जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और ये जो गलती है ना भाई, 99% बंदा ये गलती रोज करते हो, और आगे भी जाके करोगे, पर आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे सिर्फ आपका गेम प्ले लैग नहीं करेंगे, आपका फोन भी खराब हो सकता है, आपका फोन का चार्जिंग सिस्टम भी खराब हो सकता है। देखो यार, अगर मेरा मानोगे तो फोन में 80% से ज्यादा चार्ज की कोई भी जरूरत नहीं है, और 30% चार्ज होने के बाद आपको फोन 5 मिनट रखना है, फिर जाके चार्ज में लगाना है। और आप में से बहुत सारा बंदा ये गलती करते हो कि आपका फोन चार्ज होता है और आप गेम प्ले स्टार्ट कर देते हो। और कमेंट में बताओ, आप में से कितना बंदा हो जो चार्ज से निकलने के बाद ही गेम प्ले स्टार्ट कर देते हो। बिल्कुल मत करना, फोन बास्ट हो जाएंगे। देखो, सिंपल सा बात यह है कि जब भी आप फोन चार्जिंग करते हो, चार्ज होने के बाद 5 या फिर 10 मिनट फोन को रेस्ट दो, फिर जाके गेम प्ले करो। सेम आपको करना है गेम प्ले के बाद, 4-5 मिनट रेस्ट दो, फिर जाके चार्ज में बैठाओ। और ये जो प्रॉब्लम है ना, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो जाके वीडियो वॉच करो। इस वीडियो को वॉच करने के बाद उस वीडियो में पूरा डिटेल में बता दिया कि नेटवर्क इशू फिक्स करने के लिए आपको क्या क्या सेटिंग करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। अभी मैंने जितना बताया अगर सबको फॉलो करोगे तो तुम्हारा 50% लैग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और बाकी 50% के लिए आपको फोन में 2 सेटिंग करना है। अभी मैं 2 सेटिंग बताऊंगा जिसको आपको यूज करना ही है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लैग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देखो, सेटिंग करने के लिए आपको जाना है फोन अबाउट में। फोन अबाउट में जाने के बाद आपको बिल्ड ऑप्शन में जाना है, फिर 5-6 बार टैप करना है। टैप करने के बाद डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएंगे, फिर आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, फिर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएंगे डोंट कीप एक्टिविटी, उसको ऑन कर देना। एंड उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिल जाएंगे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, फिर आपको उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको 3 पे सेलेक्ट कर देना है। अब चाहते हो तो 2 भी कर सकते हो। 3 करने से क्या होगा, अब जब भी गेम खेलोगे आपका बैकग्राउंड में 3 से ज्यादा ऐप रन नहीं कर पाएंगे, सबका लैग प्रॉब्लम काफी हद तक सही हो जाएंगे। सबको फॉलो करोगे तो भाई लैग करेंगे नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।